हाय मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे अपनी लाइफ में मस्त होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे काले दाग धब्बे मुहासे पिम्पल ठीक है कलर का डाउन होना स्किन लूज हो चुकी है या आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं पुरानी से पुरानी छाइयाँ हैं पिंगवटेशन है स्पॉट्स हैं स्किन टैन हो चुकी है डल सी है कलर डाउन हो चुका है तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है आज की रेमेडी से जी हाँ बट जब तक आपको इस रेमेडी पे विश्वास नहीं होगा ये रेमेडी काम नहीं करेगी आप पे खुद पे विश्वास होना चाहिए रेमेडी पे विश्वास हो तभी आप होम रेमेडी यूज किया करिए करिए जब आपको होम रेमेडी पे विश्वास ही नहीं है तो आप पे वो रेमेडी काम करेगी ही नहीं, नहीं। इसलिए विश्वास रखिए ये रेमेडी आपकी स्किन से हर प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट स्पॉटलेस बनाएगी इस रेमेडी को आपको वीक में फोर बार यूज करना है आपके फेस पे कैसे भी मुहासे हों कैसे भी काले दाग धब्बे हैं जड़ से खत्म कर देगी जी हाँ तो चलिए इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें किचन में चलना होगा और किस तरीके से लगाना है कौन कौन इसे लगा सकता है और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और यहाँ पे आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी अगर आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहे और यूं भी प्यार से आप मेरे वीडियो देखते रहिए कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा मेरी आईडी है बबीता राज के नाम से ठीक है तो चलिए चलते हैं किचन में तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया और इस बाउल में आपको एक बड़ा चम्मच लेना है मुल्तानी मिट्टी पाउडर जी हाँ मुल्तानी मिट्टी पाउडर आपकी स्किन को टाइट भी करता है साथ ही दाग धब्बों को भी दूर करता है और आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट स्पॉटलेस बनाता है इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करेंगी जो आपकी स्किन से झूरीों को भी दूर करेगी छाइयों को भी दूर करेगी और इसे वीक में फोर बार आपको यूज करना होगा आप टीन में तो भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा क्लीनिंग का काम करता है हमारी स्किन जब क्लीन रहती है हमारे फेस एक्स्ट्रा ऑयल को ये कम करता है जिससे हमारे फेस पे मुहासे पिंपल्स नहीं होते हैं तो ये वाला मैंने मुल्तानी मिट्टी ऑर्डर लिया है आपके पास छोटे छोटे पीस है तो आप क्या करोगे उसे मिक्सर में डाल के ग्राइंड करके उसको फाइन पाउडर बना लीजिएगा तो मुल्तानी मिट्टी तो बहुत ही सस्ता मिलता है बीस पच्चीस रुपए में मिल जाएगा जो आपके वन मंथ तक चलेगा इसके बाद दूसरी इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर जो मिक्स कर रही हूँ वो ले रही हूँ नीम पाउडर जी हाँ आप फ्रेश नीम की पत्तियों को धूप में सुखा करके और घर पे ही आप नीम पाउडर बना सकते हैं ये नीम पाउडर आपके स्किन पे जो काले मुहासे हैं सॉरी पिंपल्स हैं दाग धब्बे हैं उन्हें दूर करता है आपकी स्किन को साफ करता है और आपकी स्किन पे जो रेसेस हो रहे हैं जो प्रॉब्लम हो रही है छोटे छोटे दाने हैं खुजली होती है ये प्रॉब्लम भी दूर करता है तो मुल्तानी मिट्टी में जो हम नीम पाउडर मिक्स करते हैं तो ये रेमेडी बहुत अच्छे से हमारे स्किन से हर तरह के स्पॉट्स को दूर करके प्रॉब्लम को दूर करके हमारे स्किन को हेल्दी बनाता है तो इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें मैं जो ऐड करने जा रही हूँ वो ले रही हूँ हाफ स्पून चंदन पाउडर जी हाँ और चंदन पाउडर आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लेना होगा जो आपकी स्किन पे अच्छे से काम करे चंदन हमारे स्किन को फेयर भी करता है साथ ही हमारे स्किन पे जो प्रॉब्लम है उसे दूर करता है हमारे स्किन को कूल रखता है हमारी स्किन लाइट और ब्राइट हो जाती है अगर हम चंदन पाउडर फेस पैक लगाते हैं तो अब इसके बाद मैंने कस्तूरी हल्दी ऐड की है चुटकी भर जो हमारे रंगत को भी फेयर करता है और हमारे स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब इस रेमेडी को बनाना हो तो बस आप इस पाउडर को लीजिए और इसमें क्या मिक्स करना होगा वो मैं आपको बताती हूँ जो हमारे स्किन से छाइयाँ काले दाग धब्बे मुहासों को दूर करके हमारे स्किन को फेयर करेगा तो मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ कोकुम्बर जूस जी हाँ खीरे का जूस लेंगे जो हमारे स्किन के लिए वरदान है हमारे स्किन को हेल्दी भी बनाता है स्पॉट्स को भी दूर करता है कलर को फेयर भी करता है और अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम भी दूर करता है ये रेमेडी आपकी स्किन की टैनिंग को भी दूर करता है तो आपको खीरे के छिलके नहीं हटाने हैं धुल के साफ उसे करके उसे क्रश करके या जैसे भी आपको ईजी हो उसका आप जूस निकाल लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके इस रेमेडी में आपको डालना है और अच्छे से मिक्स करना है ये रेमेडी आपकी स्किन ऑयली है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली है और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी होगी जैसे आपको हाफ स्पून कोकोनट ऑयल मिक्स करना होगा सर्दियों में आप इस रेमेडी को लगा रहे हो तो आप इसमें ग्लिसरीन भी ऐड करोगे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कीजिएगा और इस रेमेडी को किस तरीके से लगाना है इस रेमेडी को लगाने के बाद क्या लगाना है जो आपकी स्किन को हेल्दी ब्राइट और लाइट बनाएगा तो चलिए बताते हैं सबसे पहले आपको फेस वाश करना है फेस वाश करने के बाद थोड़ा सा आपको लेना है एलोवेरा जेल पूरे फेस पे लेके आपको अच्छे से मसाज करना है दो मिनट तक और ये मसाज करने से आपकी स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है एलोवेरा जेल हर टाइप की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और सभी की स्किन को सूट करता है जी हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पे मसाज कर लिया अब क्या करना है आपको एक कॉटन लेना है कॉटन में आपको रोज़ वाटर लेना है इस तरीके से जैसे मैं ले रही हूँ और पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करना है फेस वाश करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है सेकेंड स्टेप में आपको ये फेस पैक लगाना है और थर्ड स्टेप जो है आपके स्किन पे एक अलग सी चमक लाने वाला है आपकी स्किन को टाइट करेगी झुरियों को भी दूर करेगी तो मैं आगे आपको बताती हूँ तो चलिए इस फेस पैक को अब हम लगा लेते हैं ठीक है एक मोटी लेयर आपको लगाना है नेक पे भी लगाएंगे, फुल फेस पे लगाएंगे, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम वो भी प्रॉब्लम दूर होगी इस रेमेडी से सबसे बड़ी बात आपकी स्किन टैन हो चुकी है धूप से झुलस चुकी है या एक्स्ट्रा ऑयल आपके फेस पे बहुत आते हैं जिससे आपके फेस से मुहासे पिंपल्स होते रहते हैं दाग धब्बे जाते नहीं हैं तो ये प्रॉब्लम भी ये फेस पैक दूर करेगा तो हफ्ते में चार दिन इसे ज़रूर लगाइए ठीक है तो चलिए मैंने इसे लगा लिया लगा के कम से कम आपको 40-30 मिनट रखना है जब तक ये फेस पैक पूरी तरीके से सूख ना जाए फिर मैं आपको इसे हटा करके और थर्ड स्टेप में बताती हूँ क्या करना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं फेस पैक हमारा पूरी तरीके से सूख चुका है जब आपको लगे कि आपकी स्किन खींची खींची सी लग रही है तब आपको ये फेस पैक हटाना है कॉटन के कपड़े को पानी में डिप कीजिए निचोड़िए और पूरे फेस को इस तरीके से क्लीन कीजिए इससे आपकी जो फेस पे डेड स्किन जमा है मैल जमा है वो भी निकल जाती है तो मैं पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है और बहुत ज़्यादा लाइट और ब्राइट दिख रही है तो चलिए थर्ड स्टेप जो होगा हम करेंगे आइस क्यूब से फेस की मसाज ये रेमेडी आपको रात में लगानी है अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ठीक है और यहाँ पे देखिए फेस वाश का यूज नहीं करना है फेस पैक लगाने के बाद आपको एक आइस क्यूब लेना है और पूरे फेस पे इसे लेकर के आपको सर्कुलेशन मोशन में मसाज करना है आइस क्यूब को आपको कॉटन के कपड़े में फोल्ड कीजिएगा और डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई ना कीजिएगा क्योंकि सबको सूट नहीं करता है मैं तो डायरेक्ट भी यूज कर लेती हूँ फेस पे मेरी स्किन को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आइस क्यूब आपकी ओपन स्पॉट्स की प्रॉब्लम को दूर करता है और आपकी स्किन को टाइट करता है और आपकी स्किन पे एक चमक लाता है अगर रोजाना रात में सोने के पहले आप आइस क्यूब से मसाज कर रहे हो तो आपकी स्किन हेल्दी भी होती है ग्लोइंग भी होती है और हर तरह के स्पॉट्स दूर हो जाते हैं चलती हूँ मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा